आप सभी को बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने में एक और पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं, जिसमें अलग अलग तरह से पूजन करने का विधान है। लोग इस दिन प्रातः किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और घर की समृद्धि के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सभी पूर्णिमा तिथियों में बैसाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान बुद्ध के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल ये तिथि 5 मई 2023 को पड़ेगी। ज्योतिष अनुमान के अनुसार इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, जिसका सभी राशियों पर असर होगा। इस दिन यदि आप अपनी राशि के अनुसार ज्योतिष के कुछ आसान ज्योतिष उपाय आजमाएंगे तो ये आपके भविष्य के लिए शुभ हो सकता है। आइए जानते हैं इन उपाय के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए बुध पूर्णिमा बहुत शुभ रहने वाली है। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करेंगी तो विशेष रूप से फलदायी होगा। इस दिन आप भगवान विष्णु जी को हल्दी का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं। आपके लिए ये उपाय शुभ लाभ दिलाएंगे और इससे आपको व्यापार में लाभ होने के साथ नौकरी में भी प्रमोशन के योग बनेंगे। और आप जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लोग यदि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं और मुख्य द्वार पर भी घी के दीपक रखेंगे तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। इस दिन आप विष्णु जी का पूजन भी अवश्य करें। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को यदि खीर का भोग लगाएंगे और समस्त परिवार को ये खीर बांटकर स्वयं भी ग्रहण करेंगे तो ये आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो आपको शुभ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और आप जानते हैं कर्क राशि के बारे में। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट चले आ रहे हैं तो आप भगवान विष्णु जी को बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंदन का तिलक लगाएं और केसर मिले दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। इस उपाय से आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खुलेंगे। और बात करते हैं सिंह राशि को क्या करना है। सिंह राशि के लोग यदि बुद्ध पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे तो उनके लिए समृद्धि के मार्ग खुलेंगे। आप इस दिन चरणामृत का प्रसाद तैयार करें और भोग लगाएं। कथा के बाद सबको प्रसाद वितरित करें, इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। और आप जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लोग पूर्णिमा तिथि के दिन घर में हवन कर सकते हैं। यदि आप इस दिन आम की लकड़ियों से हवन करते हैं और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। इस दिन आप हवन के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करें। और अब जानते हैं तुला राशि के लोगों को क्या करना है। तुला राशि के लोग यदि बुद्ध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन और आरती करते हैं और माता को लाल फूल चढ़ाते हैं तो ये आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है। इस दिन आप माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। और आप जानते हैं वृश्चिक राशि के लोगों को क्या करना है। इस दिन इस राशि के लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सामने लाल फूल अर्पित करें और विष्णु जी की आरती करें।
आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और विष्णु जी का आशीष प्राप्त होगा आपको। आप इस दिन घर के मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं। और अब जान लेते हैं धनु राशि के लोगों को क्या करना चाहिए इस दिन। धनु राशि के लोग बुध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पीले चावल का भोग लगाने के साथ उनका पूजन पीले फूलों से करें। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या है जिसका निवारण आप ढूंढ रहे हैं तो विष्णु मंत्रों का जाप करें। इन उपायों से जीवन की समस्याएं दूर होंगी और खुशहाली बनी रहेगी। और अब जान लेते हैं मीन राशि के लोगों को क्या करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को बुध पूर्णिमा के दिन मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। इससे आपको समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और घर में समृद्धि बनी रहेगी। और आप जान लेते हैं कुंभ राशि के लोग इस दिन क्या करें। कुंभ राशि के लोग यदि बुध पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान दान में देंगे तो उनके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। इस दिन ब्राह्मण भोज करवाना भी फलदायी होगा उनके लिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि के लोग क्या करें इस दिन। मकर राशि के लोग बुध पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ दें और घर की समृद्धि की कामना करें। इस उपाय से आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही आप बुध पूर्णिमा के दिन घर की तिजोरी की पूजा भी अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आप अपनी राशि के हिसाब से उपाय करेंगे और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। और अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं दोस्तों इस पोस्ट से। और आप सभी को हार्दिक पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।